वायलिन गुरुकुल के एक नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेसन पे हमने सीखा था कि हमारे वायलिन पर नोट्स कैसे बजाना है। आज के लेसन पर हम उन्हीं नोट्स को फिर से एक बार दोहराएंगे और एक नया बो टेक्निक इन नोट्स के साथ बजाएंगे। मेरा वायलिन आज डी शार्प पे ट्यून है, सो आप पिच या फिर फ्रीक्वेंसी को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। हमने पिछले लेसन पर नोट्स बजाना सीखा था, उस लेसन को क्लियरिटी में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक आप लोग फेस कर रहे हैं, जैसे एक स्क्रैचिंग साउंड, फिर डबल स्ट्रिंग साउंड। आप बजा रहे हैं आपके नोट्स, लेकिन आपका एक साथ दो स्ट्रिंग्स के आवाज़ आ रहे हैं। तो इन सब को टैकल करने के लिए आपको बहुत ही स्लोली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे आप फिर स्पीड बढ़ाएं। जब आपको एक कंफर्टेबल स्पीड में आप पहुंच जाते हैं, फिर वहां से एक स्टेप फिर आगे लीजिए उसको और एनहेंस करने के लिए। तो प्रीवियस लेसन पे हमने वन बो वन नोट सीखा था, एक बार देखते हैं। इसको बैठने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप हमारा जो दो हाथ है वो चीज़ें एक साथ करने में वो ट्रेंड है। तो उस नॉर्म को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे हमारा बो, जिस राइट हैंड से हम बो बजाते हैं, उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। जिससे हम नोट्स बजाते हैं उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो दोनों का डायनेमिक्स यहाँ पे मिलाना ही हमारा काम है। तो आज हम करेंगे टू नोट्स इन अ बो। तो आप देख सकते हैं मैंने दो नोट को एक बो में बजाया है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम बो को डिवाइड कैसे करें। तो आप हाफ बो सा में यूज़ कीजिए और बाकी का हाफ बो रे में यूज़ करिए। जैसे मिड बो से आप चेंज कर लीजिए। बहुत ही धीरे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डायनामिक्स आपके दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है। अब हमने टू इन अ बो किया, अब हम करेंगे फोर इन अ बो। जैसे तो सारे गामा एक बो में और पाधानीसा एक दूसरे बो में। आपको ध्यान में रखना होगा नोट्स के बीच के जो स्पेस है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गा बजा रहे हैं और माँ के लिए कोई जगह ही नहीं बचा, आपका बो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ख़त्म हो गया, तो एक नोट पे कितना समय देना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम करेंगे एट इन अ बो, लेकिन अगर आपका टू इन अ बो और फोर इन अ बो क्लियर नहीं है तो आप एट अटेम्प्ट ना करें। पहले उन दोनों का बैलेंस आप अपने उंगलियों पर बिठाइए प्रैक्टिस करके, फिर आप एट इन अ बो अटेम्प्ट ले सकते हैं, फिर आप 16 इन अ बो भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब अगर हम एट इन अ बो करें
आपके हर एक नोट के स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि आपने सारे गामा बहुत स्पीड में बजाया, फिर पाधा निसा बहुत स्लो बजाया, तो दोनों का डायनामिक्स मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आपको मेट्रोनोम में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। हमने जब हम ओपन स्ट्रिंग प्रैक्टिस कर रहे थे अपने बो के साथ, तब हमने मेट्रोनोम का इस्तेमाल किया था हमारे एक लेसन पर। उस एपिसोड को आप देखें और सीखिए कि कैसे मेट्रोनोम को प्रैक्टिस में आपको यूज़ करना है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे एक स्पीड पकड़ने लग जाते हैं, आपको बहुत ज़रूरी होता है कि कोई बेंचमार्क हो स्पीड का, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्पीड हम एक टाइम तक पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम उस स्पीड को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो उस वजह से हमारा मेट्रोनोम वो एक बेस लाइन की तरह हमारे प्रैक्टिस में काम करेगा। तो अब से आप जो भी प्रैक्टिस करें, आप ट्राई कीजिए कि मेट्रोनोम में करने के लिए। तो अगर आप धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाएं तो आप ऐसे होगा। अगर मैं वन बो एंड वन नोट करूँ तो लेसन्स को अब आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी लेसन पर, हमें ज़रूर लिखिए हमारे ईमेल एड्रेस पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और देखते रहिए वायलिन गुरुकुल।